हेलो एवरीवन, ये आपके लीगल हिस्ट्री के पेपर का यूनिट 2 का सब टॉपिक 5 है, रिफॉर्म्स ऑफ 1781। 1781 के रिफॉर्म्स पे पहुंचने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1780s के लास्ट फेज में इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में एक नया नाम जुड़ता है, एक नया कैरेक्टर सामने आता है, और वो है चीफ जस्टिस एम्पे का। चीफ जस्टिस एम्पे का, इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन की लीगल हिस्ट्री में, और इसी रोल को, इसी इनके कंट्रीब्यूशन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे ही एम्पे साहब चीफ जस्टिस का पोस्ट होल्ड करते हैं सदर दीवानी अदालत में, जैसे ही वो अपॉइंटमेंट उनकी होती है वहाँ पे, उन्होंने उस दीवानी अदालत की जो भी जुडिशरी सिस्टम थी उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कदम लेने शुरू किए, और इसी दौरान उन्होंने एक सीरीज ऑफ रेगुलेशंस तैयार की, ऐसे चेंजेस तैयार किए जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को और इम्प्रूव कर रही थी, और इन्हीं इम्प्रूवमेंट्स को, इन्हीं चेंजेस को हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो 1780 में दीवानी अदालत के जो प्रोसीजर थे उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेशन पास की गई 3 नवंबर 1780 में। उसमें ये क्लियर लिखा गया कि मौलवीज और पंडित्स जो नेटिव लॉ ऑफिसर्स थे उनका यूज अब बस पर्सनल लॉ से जुड़े हुए सवालों पे या पर्सनल लॉ से जुड़े हुए केसेस में किया जाएगा, और फैक्ट्स को, सारे प्रश्नों के जवाबों को मद्देनजर रखने के बाद मुफस्सिल दीवानी अदालत ही फैसला दिया करेगी। सेकंड, छोटे छोटे केसेस जिसमें सजा बस एक फाइन तक की होती है उसके जुरिस्डिक्शंस जमींदार के पास रहेंगे, उसके जुरिस्डिक्शन, उसके जजमेंट्स करने का राइट जमींदार के पास रहेगा, लेकिन उस सारी प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड है वो उस जमींदार को अपने एरिया के मुफस्सिल कोर्ट में सबमिट करना रहेगा। थर्ड, छोटे नए रेगुलेशंस लाए गए, पुराने रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए नए जो भी चेंजेस दिख रहे थे उस हिसाब से पुराने रेगुलेशंस को मॉडिफाई किया गया ताकि जो प्रेजेंट डे जुडिशरी की नीड्स थी उनको वो काउंटर कर सके। सर एलिजा एम्पे की जो सबसे रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लीगल हिस्ट्री में, वो है कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया का सिविल कोड प्रिपेयर किया था। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट सिविल कोड इंडिया में, इसका श्रेय लॉर्ड एम्पे को जाता है, लॉर्ड एम्पे को जाता है। इस सिविल कोड को डिजाइन करने के बाद गवर्नर जनरल काउंसिल ने इसको July 5, 1781 को अडॉप्ट कर लिया, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का फर्स्ट सिविल कोड था वो अडॉप्ट किया गया 1781 में। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी कई सिविल और क्रिमिनल जस्टिस को लेकर रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो ये समझ गए थे कि जो इंडिया का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, और इन चेंजेस को करने में जो चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थे इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का भरपूर सहयोग किया था। 1781 में मुफस्सिल दीवानी अदालत की संख्या भी 6 से बढ़ाकर 18 कर दी गई ताकि जो लिटिगेंट्स हैं उनको कोर्ट तक पहुंचने में कोई डिफिकल्टी ना हो।
मुफस्सिल अदालत की जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही थी उन प्रोसीडिंग की कॉपीज उन्हें सदर दीवानी अदालत में भेजनी रहती थी, ताकि अगर कोई अपील मुफस्सिल अदालत से की जाए तो सदर दीवानी अदालत जो है उनकी सुनवाई कर सके। तो कोई भी ऐसी ऐसा केस जिसका वैल्यू 1,000 रुपये से ज़्यादा का था, उसकी अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी, और इसके लिए मुफस्सिल दीवानी अदालत को सारी कॉपीज सदर दीवानी अदालत में भेजनी पड़ती थी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। एलिजा इम्पे जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे कलकत्ता में कोर्ट के, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पे बड़ा जोर दिया, जो था जुडिशियल और रेवेन्यू फंक्शंस का सेपरेट होना। और उन्होंने जो दीवानी अदालत के जज थे उनका काम पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन से अलग रखा हुआ था, ताकि जुडिशरी का काम और रेवेन्यू का काम एक साथ ना हो सके और इस वजह से जस्टिस में कोई डिले ना हो सके। मुफस्सिल दीवानी अदालत के पास ये पावर थी, ये अथॉरिटी थी कि वो सिविल सूट्स को सुने और उस पे कार्रवाई करे, और अगर इनके अंदर जो भी इनके जुडिशियल जुडिशियल एरिया में जो भी जमींदार या तालुकदार हैं, इनके भी अगर इनहेरिटेंस या सक्सेशन का कोई मामला है तो उसकी भी सुनवाई करने का राइट मुफस्सिल दीवानी अदालत को दिया गया था। तो अब मुफस्सिल दीवानी अदालत के पास ये राइट था कि अपने जरिस्डिक्शन में आने वाले किसी भी जमींदार या किसी भी फार्मर को वो अपने सामने पेश होने के लिए समन कर सकते थे। अब जमींदार या तो खुद कोर्ट के सामने पेश हो या उनके तरफ से उनका वकील कोर्ट के सामने पेश हो सकता था। ये चेंजेस लाए गए थे उस टाइम लॉर्ड एम्पे, एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे इंडिया के पहले सिविल कोर्ट के बारे में। थैंक यू।